साथियों, अयोध्या, काशी और प्रयाग का ये क्षेत्र आज आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं के लिए तैयार हो रहा है। अयोध्या में जिस तेज गति से विकास हो रहा है, प्रयागराज ने जिस तरह से कुंभ का आयोजन देखा है और काशी आज जिस तरह से विकास पथ पर अग्रसर है, उससे पूरी दुनिया का पर्यटक आज इस क्षेत्र की ओर देख रहा है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ साथ दुर्गा कुंड जैसे सनातन महत्व के स्थलों का भी विकास किया गया है। दूसरे मंदिरों और परिक्रमा पथ को भी सुधारा जा रहा है। घाटों की तस्वीर तेज गति से बदल रही है। उसने सुबह बनारस को फिर से दी है। मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है। यही तो प्राचीन काशी का आधुनिक सनातन अवतार है। यही तो बनारस का सदा बना रहने वाला रस है। अभी यहां से मैं भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ जाऊंगा। सारनाथ में शाम के समय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और लोक शिक्षा के लिए भी आप सबकी जो लंबे समय से मांग थी वो अब पूरी हो गई है। लेजर शो में अब भगवान बुद्ध के करुणा, दया और अहिंसा के संदेश साकार होंगे। ये संदेश आज और भी प्रासंगिक होते जाते हैं। जब दुनिया हिंसा, अशांति और आतंक के खतरे देखकर चिंतित है, भगवान बुद्ध कहते थे, नहीं वैरेण वैरानी सम्मंति दक्कुदाचन, अवेरेन ही सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत हो जाता है। देव दीपाली से देवत्व का परिचय कराती काशी से भी यही संदेश है कि हमारा मन इन्हीं दीपों की तरह जगमगा उठे, सब में सकारात्मकता का भाव हो, विकास का पथ प्रशस्त हो, समूची दुनिया करुणा दया के भाव को स्वयं में समाहित करे। मुझे विश्वास है कि काशी से निकलते ये संदेश